बिहार आईटीआई से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपका एग्जाम 18 तारीख को होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो ये वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो संभावित क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भारत का महानवादी की नियुक्ति कौन करता है, भारत का महानवादी की नियुक्ति कौन करता है। देखिए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और सांसद। तो भारत के महानवादी पूछे तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। भारत के महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो वो है उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, इसमें नहीं है, यहाँ पर होगा द्रौपदी मुर्मू। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि भारत का 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, भारत का 23वां सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो वो है दीपक कपूर, भारत के 23वें प्रमुख दीपक कपूर बने हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। देखिए इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जेएस चंद्रचूड़। तो भारत का अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जेएस चंद्रचूड़ हैं। आगे क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो वो है विधानसभा, और वहीं केंद्रीय मंत्री परिषद पूछता तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो इसका सही जवाब होगा तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ सड़क पुल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो वो है कटिहार। कटिहार इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नौवां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो वो है आरा से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में किसे बनाए गए हैं, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में कौन बनाए गए थे। यहाँ पर थे होगा थे, तो ये है APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे वो विजिटर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, कृषि कार्य कितने क्षेत्रफल पर होता है। तो इसका सही जवाब होगा 60%। बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है, भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है। तो ये है राष्ट्रपति। बिहार के साक्षरता दर 2001 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो इसका सही जवाब होगा 47.33 है 2001 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, ध्यानचंद किस खेल के संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो वो है हॉकी खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह का बचपन का नाम क्या था, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था। तो वो है फरीद खान। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खान था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा 1885 ईस्वी में, और इसका पहला जो अध्यक्ष हुए
WC बनर्जी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा, गत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा, तो वो है लॉर्ड डलहौजी। भारत के प्रथम वायसराय कौन था, तो वो है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो वो है बी और सी, फुटबॉल और हॉकी से ट्राई ब्रेकर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, तो वो है कुमार गुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो था किया था वो कुमार गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला और बिरसा मुंडा। देखिए कुंवर सिंह और बिरसा मुंडा के तो राजधानी यहाँ पर गलती हो गया, और मीर कासिम और सिराजुद्दौला, तो देखिए इसका सही जवाब होगा मीर कासिम। आगे क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, तो वो है बीबी जैला। थनेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो है पूर्णिया जिला में। अगला प्रश्न जो है कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। कमायनी पुस्तक के जो रचयिता हुए वो जयशंकर प्रसाद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, तो वो है कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक को रचयिता जो है वो कौटिल्य हुए। अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो वो है भगत सिंह। जो अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध किस किस के बीच हुआ था, इसका सही जवाब होगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो वो है 9 प्रमंडल, बिहार में 9 प्रमंडल है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो आपको एक ही के अनुसार आपको जवाब भी देना है। इसका सही जवाब होगा 8,28,78,796। आगे क्वेश्चन है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, तो वो है मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो वो है 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो वो है पावापुरी में जैन गुरु का मृत्यु हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो लुम्बिनी कहाँ है, लुम्बिनी जो है वो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है, तो वो है 28वां। कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 40 लोकसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 8 मार्च।
बिंबिसार इस वंश का राजा था, बिंबिसार इस वंश का राजा था, तो वो है हर्यक वंश का, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, वो है चंपारण बिहार से। भारत में सर्वप्रथम गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह की आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर अपनी कहाँ एक नई शाखा खोली है, तो वो है इजराइल में। इजराइल में सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो सार्क का सबसे लास्ट में सदस्य देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ जो 1945 में इसका स्थापना हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात, तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, तो वो है औरंगजेब ने, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो वो है बेलगांव 1924 ईस्वी में, बेलगांव 1924 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो वो है 1905 ईस्वी में, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो वो है राष्ट्रपति। देखिए बुलाता है राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ये आप लोगों को ऊपर याद रखना है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्यता को के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, देखिए तो इसका सही जवाब होगा 18 वर्ष के ऊपर, 19 ऊपर, 21 के ऊपर और कम से कम 25 वर्ष, तो इसका देखिए ग्राम पंचायत पूछे तो 21 वर्ष के ऊपर, 21 वर्ष हो या 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए जब आप ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल अकादमी कहाँ स्थित है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो है पटियाला में। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है, तो वो है निशानेबाजी से। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं, तो वो है गुर्जर, परमार, करकोटा और उत्पल। तो देखिए राजा भोज के बारे में पूछ रहा है तो वो है परमार वंश से, राजा भोज परमार वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किला स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था, मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है शेर शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह और शेर शाहजहाँ, तो देखिए इसका सही जवाब होगा, देखिए मोती मस्जिद का है तो इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।